to my YouTube channel. My name is Shweta Ari. So, मैं आज आपको hookstep सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही trending song का. Song name is Kusu Kusu, जो नोरा फतेही का song है और बहुत ही trend कर रहा है currently. अगर आपने कभी ये step try किया होगा, आपको थोड़ा difficult लग रहा होगा, so please watch my tutorial. मैं बहुत ही easy way में आपको समझाऊंगी. So, let's go ahead. तो ये पूरे स्टेप में पूरे ट्यूटोरियल में चार स्टेप्स हैं जो हम डिवाइड करके सीखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला स्टेप है दैट इज अ हिप रोल, दैट इज अ बेली रोल, व्हिच इज सिंपल बेली रोल. और ये करते करते यू हैव टू बेंड डाउन स्लोली. ठीक है, आपको धीरे धीरे नीचे जाना है डूइंग अ बेली रोल. आपको पांच बेली रोल्स करने हैं. सो अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक स्पीड आपके बेली रोल का ऐसा होना चाहिए, इट इज 1 2 1 2 3. ओके, या सो लेट्स डू इट अगेन. आपका हाथ आप ऐसे रख सकते हो सर पे. प्लीज आप ऐसे एकदम टाइट मत रखिए हाथ, कीप इट सॉफ्ट. इफ यू वांट यू कैन कीप इट साइडवेज, इफ यू वांट यू कैन कीप इट लाइक दैट. तो आपको जैसे मन हो आप रख सकते हो. डोंट कवर योर फेस लाइक दिस एंड देन यू स्टार्ट विद द बेली रोल. तो इट इज 1 2 1 2 3. ओके, मैं बेली रोल पे अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगी इन डिटेल, बट आपको मैं शॉर्टकट में इजी वे में बताती हूँ. अगर आपको बेली रोल नहीं आता है करने, तो पहले आपको फोर पॉइंट्स पे फोकस करना है, दैट इज राइट साइड, फ्रंट, लेफ्ट साइड एंड बैक. अभी आपको राइट हिप जो है स्क्वीज करना है. ठीक है, राइट हिप ऊपर, देन टक योर बेली आगे, then left hip squeeze करना है and then release. okay, this is release. तो अभी आप अगर ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो इट विल बी राइट एंड फ्रंट एंड लेफ्ट एंड बैक, राइट फ्रंट लेफ्ट बैक, राइट फ्रंट लेफ्ट बैक. सो यही हम स्पीड में कर रहे हैं यहाँ पे. दैट इज 1 2 1 2. So our first step is done. Now we are here. अभी यहाँ से हमको ऊपर आना है. तो आपको हाथ, आपका हाथ जैसे हम साइकिलिंग एक्सरसाइज करते हैं पैरों से, सेम है आपको हाथों से करना है. तो मैं आपको बताती हूँ क्विकली. तो पहले आपको राइट हैंड राउंड करके फ्रंट में एंड लेफ्ट हैंड राउंड करके यहाँ. ठीक है, लाइक दैट. तो पहले आपका राइट हैंड जाएगा, सो इट्स लाइक दिस. तो अभी ये साइकिलिंग एक्सरसाइज जैसे है, बट आपको थोड़ा ये क्रॉस करना है. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा इसको स्पीड अप करना पड़ेगा आपको. हम थोड़ा फास्ट करते हैं राउंड एंड टू द पोजिशन. ठीक है, इसके साथ आपको हिप भी करना है. हम अभी पहले नीचे है, राइट हैंड योर राइट हिप स्पीड. राइट हाथ के साथ आपको राइट हिप अंदर स्क्वीज करना. सो इट्स लाइक राइट लेफ्ट एंड राइट. स्लोली आपको ट्राई करके बताने, फिर से हम ट्राई करते हैं. सो इट इज योर राइट हैंड लेफ्ट हिप एंड टू द पोजिशन. इसको हमें बहुत ज्यादा स्पीड में करना, तो इट विल बी लाइक 1 एंड 2. ठीक है, we'll try it again, it will be 1 and 2. ठीक है, next step. अभी next step थोड़ा difficult है. it is a 3/4 shimmy, that is मैं आपको बताती हूँ. तो it is 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8. ठीक है, तो आपको करना है तीन बार, that is right left right. अगर आपको 3/4 shimmy नहीं आता है तो आप normal शेक भी कर सकते हो. इस पे मैं अलग से डिटेल में एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी, बहुत ही इजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी 3/4 शिमी. फॉर नाउ आप बस फोकस कीजिए टू मूव योर हिप एंड राइट. ओके, शिमी शिमी राइट, शिमी शिमी राइट, शिमी शिमी राइट. अभी जब हम राइट साइड आ गए हैं तो हमारा लेफ्ट हिप ऑटोमेटिकली ऊपर होना चाहिए. ओके, नाउ कम्स द लास्ट स्टेप, दैट इज अ ट्विस्ट. अभी ट्विस्ट करने के लिए ट्विस्ट इज दिस एंड लुक. जब हम पैर ओपन करते हैं तभी हमको लेफ्ट हिप ट्विस्ट
करना है, राइट हिप डायगनल आ जाएगा. ओके, सो आवर हैंड्स आर हियर, वी ओपन आवर हैंड्स. जब हम ट्विस्ट करेंगे तब हम अपना हाथ ओपन कर देंगे. सो हाथ ओपन करके पैर लेफ्ट साइड रख के ट्विस्ट एंड लुक नॉर्मल पोजिशन. सो मैं हम क्विकली पूरा एक्सरसाइज कर देख पा. फर्स्ट इज फाइव ब्रेथ होल्ड्स हाथ ऊपर. यू गो 1 2 1 2 3. फिर साइकिलिंग वाला स्टेप करके यू कम अप. Then you go right side to left side, right side and a twist. So guys, I hope आपको steps समझ आए होंगे. तो आपको अगर देखना है कि music पे एक step कैसे लगते हैं, आप मेरे video देख सकते हो. मैंने already इसके video बनाया हुआ है music पे. तो बहुत जरूरी है आपको speed समझ आएगा, steps का कितना fast है कितना slow है rhythm समझ आएगा. तो आप पहले ये video देखकर कुछ समझ नहीं आया हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स. टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट.